सारी घर इतना अजीब लगा ना, मतलब कहने की कोई हद नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 18 अप्रैल 2021 और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो आज मैंने सोचा था भी मैं स्पीच दूंगा फोटोग्राफी पे, जैसे कल के वीडियो में दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ना मेरे को स्पीच देनी नहीं आती, मैं बहुत गंदा हूँ एक्सप्लेनेशन में। अच्छा सीन पता है मेरे साथ क्या है कि मैं शुरू तो कर देता हूँ लेकिन मेरे से ना सही तरीके से दी नहीं जाती एक्सप्लेनेशन। सीधी सादी सी बात बताऊँ, भाषण भूषण देना अपने बस की बात नहीं है। तो आज है संडे और है कर्फ्यू, लेकिन तब भी लोग शरेआम घूम रहे हैं, सिर्फ दुकानें बंद है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। और केमिस्ट कुमिस्ट की तो मेरे हिसाब से दुकानें भी खुली है, तो नाम का ही कर्फ्यू है। कल मंडे, आज संडे। हाँ अरे आज तो संडे है, वीकेंड कर्फ्यू। व्लॉग फ्रॉम होम ही है ये एक तरीके से, लेकिन ये प्रॉपर व्लॉग फ्रॉम होम है, हम घर पे बैठ के व्लॉग करेंगे। हैशटैग नॉर्मल व्लॉग फ्रॉम होम, कोई इसमें स्पेशल एपिसोड नहीं है, सिर्फ मैं अपनी दिनचर्या बताऊंगा। तो हमारी दिनचर्या की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? सबसे पहले हुई हमारी मछलियों को दाना पाके, वो क्लिप आप अभी देखो। तो मछलियों को दाना पाने के बाद अब हमारी मम्मी ने हमको एक काम दे दिया, अभी हमें ये कारपेट, वो वाला कारपेट आप लोगों को थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, और बाकी ये कारपेट फोल्ड करके बाहर रखने हैं ताकि सफाइयाँ आज अच्छे से हो पाए। मैं तो अपने कमरे के कारपेट हटाने की कोशिश करूँगी, चकथल करना बहुत मुश्किल है यार। तो इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज का एडवेंचर, और लेते हैं आज के दिन से एक नया एक्सपीरियंस। अब जैसे ही काम वाली आंटी आएगी फिर मेरे को कारपेट उठाने, उससे पहले मैं अपने कमरे के उठा दूँ, अपने कमरे की उठा देता हूँ पहले। तो फाइनली जो है कारपेट मैंने उठा दिया है, लेकिन मम्मी ने दूसरा उठाने से मना कर दिया क्योंकि वो झाड़ू लग के उठेगा। तो नाउ वी कांट डू अ थिंग। मेरे को लगा था हम व्लॉग को अपना बड़ा सीन सा बनाएंगे, लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो मैं आराम से वीडियोज ही देखूंगा आराम से पूरा दिन के। अभी तो अपनी दीदी से पूछता हूँ, दीदी यूट्यूब देखेगी? तू रिकॉर्ड कर रहा है मेरे को? तेरे को नहीं, खुद को करता हूँ। क्या है यार, देखना यूट्यूब? हाँ देख लेते हैं, मैं देख। ब्लॉक फ्रॉम होम का नेचुरल वर्जन, एज नेचुरल एज फक। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से सीधा नेक्स्ट शॉट में। अब तो हम आराम से सौरव जोशी जी के ब्लॉग्स देखेंगे। अभी हो चुका है हमारा प्री ब्रेकफास्ट का टाइम, और प्री ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ पे खिचड़ी, कल रात की बनी हुई खिचड़ी। किसी का कुछ हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा सारे खिचड़ी ही खा ले। तो हम जॉइंटली वी हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट विद खिचड़ी। हमने इसमें शिमला मिर्च डाली है, प्याज डाला है, पोहा बना दिया ऑलमोस्ट, इसको शायद से पोहे जैसा टेस्ट भी करे, खा के बताते हैं। तो हल्की सी खाई मैंने, बड़े अजीब तरीके से खाई, लेकिन हाँ ठीक है, स्वाद है। तो चलो अब खा के मिलता हूँ आप लोगों से, और साथ में हम व्लॉग देखेंगे दूसरे लोगों का जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। अभी मैं वहाँ से ये कूड़े वाले इसके पीछे से नींबू लेने गया था, लेमन फ्रूट लेके ले, चौड़बंदी में 50 रुपये लेके गया था बिल्ला, 50 रुपये में कितने नींबू आ गए। ओ भाई साहब आइए पहिया, मैं देख के हैरान, भाई साहब 50 रुपये के पहिया, इतनी महंगी। चलो कोई नहीं, ठीक है, सानू की अपने को मिल तो गई भैया नींबू। तो अभी सबसे टेक्निकल काम है हमें ये वाला कारपेट निकालना इस एरिया से, और बस मम्मी भी हंस रहे, भी साला हर चीज़ का अपडेट दी जा रहा। तो चलो अब हटाते हैं इसको, थोड़ा मुश्किल है हटाना, हटा के मिलता हूँ आप लोगों से। सारा सामान इधर उधर करके हमने अपना कारपेट निकाल लिया है भाई साहब, सारे घर के कारपेट उठाने रखने एक तरफ, और एक कला कारपेट, एक ये वाला और एक ड्राइंग रूम वाला। ड्राइंग रूम वाला भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन थैंक गॉड वो निकालना नहीं है, वो निकालने सबसे मुश्किल है सारे कारपेटों। ये वाला फिर भी इजी है, ये ड्राइंग रूम वाला, ये वाला तो भाई साहब ये नहीं निकलता, ये हमारे 2 साल में एक बार सफाई होती है इसके नीचे से, इसके अभी तक सिर्फ आई गेस 4 बारी सफाई हुई है, 4 बारी सफाई हुई है इसकी सिर्फ आज तक। हाँ 4 साल ही हो गए, 2 साल में एक बार निकलता है, ये निकालना बड़ा मुश्किल है, हद से ज़्यादा मुश्किल है। फाइनली अभी मैं आया हूँ बाहर अपनी कुंडी पे, थोड़ी बहुत मेरी मेडिसिन वगैरह लेनी थी। और भाई साहब बाहर
वैसे तो मूविंग ट्रैफिक है, मम्मी की मेडिसिन ले थी मैंने थोड़ी बहुत, उनकी बीपी वगैरह की गोलियां, थोड़ा बहुत तो मूविंग ट्रैफिक है, मतलब थोड़ा बहुत क्या काफ़ी हद तक है, लेकिन शॉप्स कोई नहीं खुली हुई, सिर्फ काम की शॉप्स खुली हुई है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा, घर पर रहें, कम से कम बाहर निकले। मैं भी अभी इमरजेंसी थी तभी बाहर निकला, नहीं तो अदरवाइज मेरा कोई एम नहीं था बाहर निकलने का। तो बस अब मिलता हूँ आप लोगों से सीधा वापसी सामान फोन लेके। अभी मैं आ गया हूँ घर वापस। भाई साहब क्या हालत है बाहर एकदम, वैसे तो इतना वो नहीं है, अभी हाँ लोग इधर उधर घूम ही रहे हैं, लेकिन सन्नाटा काफ़ी है, काफ़ी मतलब अजीब सी फीलिंग है, लेकिन चलो कोई नहीं, ये भी अपने एक्सपीरियंस था। मैंने मेडिसिन लेने जाना था, मम्मी की बीबी की दवाई लानी थी, तो सोचा पहले ही ला के रख लें, अपना ब्लॉग हो जाएगा और थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ तो दिखानी भूल ही गया, अभी जब मैं बाहर गया था मैं ये लेके आया ऑक्सीमीटर, इसको भी मैंने चालू किया ही है, वह मैनुअल मूनुअल समेत आया है, वो मैनुअल मूनवानी वो मैनुअल मूनुअल समेत आया है। ये देखो इसकी तो भी स्किन भी नहीं उतारी, पता नहीं स्किन है भी या नहीं, है तो है। ये देखो ये पूरा नाम, तो अभी जब मैं बाहर मम्मी की मेडिसिन से नहीं आया तब मैंने सोचा मैं ये भी ले आऊँ, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में। तो अगर हो सके तो आप लोग भी घर पे एक ऑक्सीमीटर रखो, अपना ऑक्सीजन लेवल रेगुलरली चेक करते रहो, होगा तो कुछ नहीं, अगर तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो तुम थोड़े बहुत प्रिकॉशंस ले सकते हो। तो बस यही बताना था मैंने आप लोगों को, यही बताने के लिए हमने फ़ोन उठाया था। तो बता चुके अब हम मम्मी की डस्टिंग में हेल्प कराते हैं। बच चुके हैं शाम के 4 और मैं सो के उठ चुका हूँ, सॉरी अभी मैं सो के उठ चुका हूँ, और मेरे को इतना अजीब लग रहा है ना घर, एक बार आप लोग खुद ही देख लो। देखो भाई साहब पूरे घर में एक भी कारपेट नहीं है, सिर्फ ये और ये है, क्योंकि ये वाले निकालना मुश्किल, इतना अजीब लगाना उठते सारी। और 4 बज चुके हैं, तो इस व्लॉग को भी एंड करने का वक्त आ गया है, तो इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। मानता हूँ आज की थोड़ी सी छोटी बनी है, लेकिन चलो इतनी चलती है। इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नवी जर्नी, एक नवे एडवेंचर और एक नवे एक्सपीरियंस। सेटल देन, बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।